इस साल के आईपीएल 2020 सीजन 13 आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आईपीएल 2020 की टीमों और उनके खिलाड़ियों की नीलामी आयोजित हुआ था, जिसमें सभी 62 खिलाड़ियों को एक साथ रखी गई सभी टीमों द्वारा खरीदा गया है। तो आज की इस वीडियो में उनमें से 2020 के शीर्ष 8 सबसे महंगे खिलाड़ी को लेकर बात करेंगे। सबसे महंगी प्लेयर की लिस्ट में सबसे ऊपर है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के हैं, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स के केकेआर द्वारा चुने गए। पैट कमिंस को 15.5 करोड़ की लागत से लिया गया है। अपने टैग के अनुसार कमिंस टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में गेंदबाजों में शीर्ष स्थान पर है। सबसे महंगी प्लेयर की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है ग्लेन मैक्सवेल, जिनको कभी कभी ना देखे जाने वाले शॉट्स से पहले मारने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब ने मैक्सवेल को 10.7 करोड़ की लागत से खरीदा है। सबसे महंगी लिस्ट में तीसरे स्थान पर है क्रिस मोरिस, जो कि साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर्स है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस शांत पर 10 करोड़ रुपए का निवेश करके बुद्धिमान खेल खेला और ऑलराउंडर की रचना की। सबसे महंगी लिस्ट में चौथे स्थान पर है शेल्डन कार्टर, जो कि वेस्ट इंडीज की टीम से है। प्रत्येक विकेट के बाद ड्रेसिंग रूम के प्रति हाल या सलामी के लिए प्रसिद्ध यह तेज गेंदबाज अपनी सेना की भावना के लिए जाना जाता है, जिनको 8.5 करोड़ से किंग्स इलेवन पंजाब ने कोटरेल को मैक्सवेल के साथ अपनी टीम में एक शानदार प्रवेश दिया। सबसे महंगी लिस्ट में पांचवा स्थान पर है नेथान कुल्टरनाइल। इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को मुंबई इंडियंस द्वारा 8 करोड़ रुपए की लागत में लिया गया है। सबसे महंगी लिस्ट में छठवां स्थान पर है शिवरन हेटमियर, जो कि वेस्ट इंडीज टीम के हैं। अंडर 19 वेस्ट इंडीज में सबसे तेज शतक बनाने वाला होने के कारण प्रसिद्धि में तेजी आई, जिनको दिल्ली कैपिटल द्वारा 7.7 करोड़ में खरीदा है। सबसे महंगी लिस्ट में सातवें स्थान पर है भारत के प्रसिद्ध लेग स्पिनर पीयूष चावला, जो गुगली के लिए जाने जाते हैं और भले से काफी अच्छे होने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा 6.7 करोड़ में खरीदा है। सबसे महंगी लिस्ट में आठवें स्थान पर है मार्कस स्टोइनिस, जिनको बिग बैश लीग में 79 दलवीर सामना करने वाले एकमात्र बल्लेबाज होने के लिए मार्कस स्टोइनिस को दिल्ली कैपिटल द्वारा 4.8 करोड़ से लिया है।